कल से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है, आज बड़ा मंगलवार मनाते हैं हम लोग। मैं आ रहा था तो अनेक जगहों पर भंडारा चल रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मैं कथा के क्रम को प्रणाम करूं क्योंकि आज दो प्रसंगों को वंदन करना है। श्री राम कथा की महिमा क्या है और बाबा भूत भावन का पावन विवाह महोत्सव भी है। इस मास में जहां हम लोग कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, दो बात का स्मरण रखना होगा। इस मास का देहाती नाम तो मल मास है, परंतु पौराणिक नाम पुरुषोत्तम मास है। कल पत्रकार भाई लोग पूछे कि आप तो तुलसी जयंती में कथा करते हैं, ये पुरुषोत्तम मास में कैसे? तुमने कहा देखिए, हम हैं लोभी। लोभी कौन है? जिसको अपने लाभ से प्रेम होता है। मैं किसी भी शर्त पर श्री रामनवमी की कथा अयोध्या से कहीं और नहीं ले जाता। क्यों? वो हमारा पुण्य वर्धन है। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास जब जब आता है तो हम एक दिन भी विश्राम नहीं लेते हैं, 30 दिन लगातार कथा गाते हैं हम लोग। काहे? एक भजन का करोड़ के बराबर फल प्राप्त होता है पुरुषोत्तम मास। एक माला जपे तो करोड़ के बराबर हो जाता है, एक दान करे तो करोड़ के बराबर हो जाता है। एक गायत्री मंत्र जपे तो 1 करोड़ का फल है। चंद्र सूर्य मान के आगे बढ़ते बदलते बदलते बढ़ते बढ़ते एक मास 3 वर्ष में जब अधिक होता है तो उसको अधिक मास कहते हैं। अधिक का अर्थ हुआ जो बच गया, उबर गया। इस मास का कोई अधिष्ठात्र देव नहीं है। पूरब की भाषा में अधिक माने उबरल। कोई भोजन कर रहा हो, चाय पी रहा हो, आप उसके कहिए कि भाई अधिक है आपे ले लीजिए, तो कहेगा आपे डालो मुंह में, हमें क्यों दे दे रहे हो भाई। अधिक पर कोई समझदार आदमी हाथ नहीं डालता। अब इसको कहां ले जाएं, आपे ले लो, नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, हम क्यों ले ले, आप ले लो। समझदार व्यक्ति अपने हक पर हक रखता है, अधिक पर नहीं। उसको कामना भी नहीं रहती। मास अधिक हुआ, कोई देव तैयार नहीं भया, तो यह मास भगवान श्री हरि के शरण में गया, प्रार्थना किया, प्रभु हमें कोई नाम नहीं मिला, कोई देव हमको अपना नाम नहीं दे रहे हैं, कोई अधिष्ठात्र बनने को तैयार नहीं हो रहे। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं उसका हम है। हरि अनाथ के नाथ, ये तो समझिए गाई नहीं कि हम ही सबको चला रहे हैं। कौन चला रहा है? सबको परमात्मा रूपी एक अदृश्य सत्ता चला रही है। कौन चला रहा है? परमात्मा रूपी एक अदृश्य सत्ता चला रही है।
हमारा अभिमान केवल सबको चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है, परमात्मा की अदृश्य सत्ता चला रही है। भगवान ने कहा हमारा दिव्य नाम है पुरुषोत्तम, हे अधिक मास यह नाम हम आपको भेंट करते, तब से इस मास का नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की। इसमें मित्रों माताओं भाई बहनों बहुओं बेटियों बच्चों मान्य जनों जितना आप सत्कर्म कर लेंगे, जितना हम सत्कर्म कर लेंगे, उतने करोड़ गुणित होकर हमारे आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा। किसके अकाउंट में? परमार्थ वाले में। जगत के अकाउंट में जुड़ करके ही क्या करेगा यदि हमारे साथ न चले। इसलिए मैं बार बार ये बात रखता हूं, चूंकि राम कथा की महिमा पर हम आपको लाए, भूमिका इसलिए आपसे निवेदन की कि आपकी रुचि बढ़ जाएगी। कहीं रहिए, गाते रहिए, कहीं रहिए, सुनते रहिए, कहीं रहिए, करते रहिए। क्या? सत्कर्म, परमार्थ।